सो हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी कुछ आपसी दिक्कतों की वजह से, बट अब चलते हैं नई वीडियो की तरफ। इस वीडियो को फुल वॉच करें और बहुत सारा प्यार दें। तो आज हम बताने वाले हैं कि अपने आधार कार्ड को अपने फ़ोन से संशोधन कैसे करें घर बैठे बिना पोस्ट ऑफिस जाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हम जाएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। यहाँ हम से डेस्कटॉप साइट पर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हम टाइप करेंगे www.uidi। ये देखिए ऑफिशियल साइट आ गया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप आ सकते हैं। तो यहाँ हम ये देखिए हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। तो गेट आधार में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बुक एन अपॉइंटमेंट। इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद ये देखिए आ गया। इसके बाद सेकंड वाला जो ऑप्शन है प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और कैप्चा डालेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद सबमिट टू प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए अब हमारे सामने एक नया पेज ओपन हुआ है। ये देखिए गाइस, हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल चुका है। यहाँ पहला ऑप्शन बता रहा है न्यू इनरोलमेंट। ये देखिए सेकंड ऑप्शन बता रहा है अपडेट आधार। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद देखते हैं नया टैब ओपन हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग के सामने एक नया इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पर आधार कार्ड का डिटेल्स फिल कर देंगे और यहाँ गार्जियन का कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। यहाँ हम टिक कर लेंगे। अगर नेम में संशोधन करना होगा तो नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, बायोमेट्रिक, आप जो भी संशोधन करना होगा, जैसे कि मुझे नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस तीनों में संशोधन करना है, तो हम तीनों सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे सारा। ये देखिए प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक नया पेज ओपन हुआ है। यहाँ हम अपना नेम और मोबाइल नंबर करेक्ट डाल देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट डाल देंगे, जैसे PDS कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, स्टेट गवर्नमेंट SI मेडिकल वगैरह, पेंशन कार्ड, आर्मी कैंटीन कार्ड, पासपोर्ट, बर्थडे सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट, भामाशाह कार्ड, जो भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट है उसे यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए गाइस, यहाँ पर हो चुका है संशोधन। अब यहाँ पर एक इस पर टिक कर देंगे, डिक्लेरेशन फॉर्म है ये। फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए गाइस, एक नया इंटरफेस आ गया है। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन क्रिएट। ये मेरा अपॉइंटमेंट आईडी है, यहाँ से बुक कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड रेसिपिएंट, ये देखिए नया इंटरफेस आ गया। यहाँ अपना पिन कोड आप डालें, सेंटर नेम से सर्च कर सकते हैं, पिन कोड से सर्च कर सकते हैं और स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सर्च कर सकते हैं आप। तो हम अपना यहाँ पिन कोड डालेंगे। यहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डाउनलोड रेसिपिएंट डाउनलोड भी कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई
तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।